हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं मार्वल स्टूडियोज द सीक्रेट इन्वेजन एंड ऑफिशियल ट्रेलर, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी आने वाला है। ऑफकोर्स मार्वल के इतने सारे जो भी मूवीज आते हैं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं। एंड ऑल्सो एक बात यहाँ पे बोला जाए तो सीक्रेट इन्वेजन का है तो सब लोगों को पता है कि वो जो अंकल होते हैं विद दैट वन आईज क्लोज विद दैट आई डोंट नो सो क्या बोलते हैं, तो वो अंकल इज देयर द सीक्रेट इन्वेजन। और ये आया था, आई गेस कल आया था ये, एंड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। और मैं देखा क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल मेरे जो सर्च फीड या न्यूज़ फीड ऐसा हो गया ना, क्योंकि कुछ नया आ ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब एल्गोरिदम तो नहीं, लेकिन मेरा न्यूज़ फीड खराब क्यों कर रहा है। आई गेस मेरे वैकेशन की वजह से, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं है, 4-5 दिनों में कुछ सर्च नहीं किया है, तो इसी वजह से यूट्यूब ने मेरा वो खराब कर दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्च कर करके फिर से आ जाएंगे वो। सो टुडे वी आर हियर विद द सीक्रेट इन्वेजन का ऑफिशियल ट्रेलर, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते। ओके श्योर, सिंस यू बीन गॉन थिंग्स हैव गॉटन मच वर्स। Why do you think I came back? Why? To save the world? You're in no shape for this fight that lies before us. Old friend. This is personal. She was the mother of dragons, India. Hi, hi. Our mother of dragons is here, Khaleesi. Okay, मुझे पता नहीं था, लेकिन यार मैं एक बात यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू सेक द सीक्रेट इन्वेजन इन हियर व्हेन यू कैन सी दैट ग्रीन काइंड ऑफ बीस्ट या एनिमल्स और सम अदर एलियंस फ्रॉम सम अदर प्लैनेट्स कमिंग ऑन टू आवर अर्थ एंड ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एंड फिनिश इट ऑफ। That's literally क्या बोलते हैं unbelievable things, क्योंकि मैं ना ये ट्रेलर एकदम जैसे धमाकेदार, आई एक्चुअली बहुत सब कुछ रिवील करने की यहाँ पे कोशिश नहीं की है, नॉट द प्लॉट ट्विस्ट या सब कुछ यहाँ पे जो है वो सब ये ट्रेलर में रिवील करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने। जस्ट दे आर हियर टू से आस कि यार लाइफ ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज इन डेंजर, तो उसको बचाने के लिए ये द सुपर हीरोज ऑन अर्थ ऑफ आर अर्थ विल सेव अस। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो क्या बोल सकते हैं एलियंस या ऐसे होते हैं ना, मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था हाल ही में, आई गेस 3-4 दिन हो गए, तो एक पॉडकास्ट में मैंने एक रील आया था मुझे, तो आई गेस अ शॉर्ट और रील समथिंग, तो उसमें एक लेडी बोल रही थी कि या हमारा जो मून है यू नो आवर मून विच इज देयर, तो इट एक्ट एज अ सैटेलाइट एंड ऑल्सो एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एलियंस फ्रॉम द अनदर प्लैनेट्स टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर प्लैनेट, कि हमारे प्लैनेट पे हो क्या रहा है, टू अपलोड द थिंग्स टू अपलोड दैट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो टू डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन हियर एंड टेक टू देम एंड कैरी फॉरवर्ड टू देम। तो मून एक काइंड ऑफ अ सैटेलाइट या मून एक मोड ऑफ अ
ट्रांसफॉर्मेशन है उनके लिए कि उनको मतलब हमारे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे अर्थ में कि उनको सब कुछ पता चले, ऐसा एक काइंड ऑफ अ थियोरी या ऐसा मे बी शायद ऐसा है या ऐसा एक इन्फॉर्मेशन नासा में अभी भी एक जगह पे स्टोर्ड है कि यार नासा में बता नहीं रहा क्योंकि हम लोग ऐसे डर जाएंगे ऐसा, मतलब एक लेडी ने बोला था, शी वाज आल्सो समथिंग फ्रॉम द नासा स्पेस रिसर्च सेंटर ऐसा था, तो जब ये बोला था तो ये वाला एक देख के मुझे वही याद आ गया द सीक्रेट इन्वेजन यहाँ पे ट्रेलर जब हमने देखा, क्योंकि लोग आ रहे हैं यहाँ पे मतलब धरती पे टू किल देम और टू डू समथिंग एंड टू फिनिश इट ऑफ, तो मुझे भी कभी कभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार एलियंस ना सब कुछ यहाँ पे जो भी धरती पे हो रहा है सब कुछ देख वेख के दे आर ट्राइंग टू स्लोली स्लोली टेक द कंट्रोल ओवर इट एंड ऑल। ऑफकोर्स ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसके ठोस सबूत तो है नहीं हमारे पास, लेकिन क्या पता यार कोई भी एलियन हो सकता है क्योंकि मतलब यहाँ पे जैसे बदलाव करके लोग आ रहे हैं द सीक्रेट इन्वेजन यू कैन सी इन हियर, तो मुझे मतलब इतने सारे थिंग्स या क्या बोल सकते हैं थियोरीज या इतने स्टोरीज मेरे दिमाग में चलती है आजकल। मतलब आजकल मेरा जो इंस्टाग्राम फीड और शॉर्ट्स का फीड है ना बहुत अच्छा विथ फुल ऑन इंफॉर्मेटिव थिंग्स से भरा हुआ है, तो ऐसा मूवीज देख के मार्वल कभी कभी ऐसा सोचने भी लगा है कि यार मे बी द मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे है, जैसे मार्वल ने क्रिएट करा बट द हीट हैज बीन वर्कड ऑन इट और मूवी बनाया है एंड ऑल्सो द सीक्रेट इन्वेजन इन हियर ऑल दिस थिंग्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो थियोरीज है उनमें मूवीज बनाना है मतलब बना रहे हैं शायद वो सच्ची में सही हो। आई डोंट नो एंड ऑल्सो वी हैव बीन इंटरस्टेलर में भी हमने यही वाला देखा था कि ब्लैक होल में जाके शायद अंदर जाके झांकने से या मतलब जाकर देखने से उसके बाहर आने से शायद वी फाइंड समथिंग एल्स टू लिव इन द स्पेस और मतलब वैसे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो कितने सही है कितना गलत है हमको पता नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है हाँ मे बी समथिंग ट्रू। एंड ऑल्सो इन हियर टॉकिंग अबाउट द वे एवरीथिंग ब्लास्ट एंड द इन्वेजन एंड ऑल्सो दे आर लाइक प्लानिंग एंड ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय आवर अर्थ मे बी दे आर गोइंग टू बी ट्रू इन सम ऑफ द रीजंस एंड ऑल, लेकिन मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा देखने में इन द थिएटर्स, सो विल बी ऑल एक्साइटेड। और ये कब रिलीज होने वाला कुछ बताया क्या यहाँ पे? नहीं बताया ना, नहीं बताया वेट अ सेकेंड। अच्छा ओरिजिनल सीरीज स्ट्रीमिंग ऑन June 21, तो June 21 अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने से हाँ तो 2 महीने बचे हैं वी फॉर इट, सो विल वॉच इट। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।